तो ये सजदा दर हकीकत आदम को नहीं था, खुदा ही को था, तो अल्लाह को ना, क्योंकि हुक्म किसका था? रब का, अल्लाह का। बस आप तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने, अगर अल्लाह आदम को वली बनाए, तमाम इंसानों पर वाजिब है आदम को कबूल करो, जो नहीं करेगा अबा वस्तक बरा वकाना मिनल काफिरीन, इबलीस बन जाएगा और काफिरों में से हो जाएगा। आदम का इनकार इबलीस बनाता है, आदम का इनकार इबलीस बनाता है ना। अब आप तवज्जो से सुने, अगर अल्लाह नूह को वली बनाए, नूह को तस्लीम, तस्लीम सजदा करो, नूह को सजदा करो, सजदे से मुराद, अब कोई पेशानी ना समझे, सजदे से मुराद एक्सेप्ट, कबूल करना, तस्लीम हो जाना, यह है सजदा। अगर अल्लाह नूह को वली बनाए, तमाम लोग कबूल करो, इनकार करने वाला इबलीस बन जाएगा। अगर अल्लाह शीस को नबी बनाए, शीस को वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इबलीस बनेगा। अगर अल्लाह इब्राहिम को वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इबलीस बनेगा। अगर अल्लाह मूसा को, इस्माइल को वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इबलीस बन जाएगा। अगर अल्लाह ईसा को वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इबलीस बनेगा। अगर अल्लाह रसूलुल्लाह को नबी और वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इबलीस बनेगा। और अगर गदीर में रसूल अल्लाह के हुक्म से किसी को वली बनाए, तो उस अली को कबूल करो, इनकार करने वाला इबलीस बन जाता है। अब समझ आया अली उन वलीउल्लाह क्या है? अली उन वलीउल्लाह निजामे इलाही है, अली उन वलीउल्लाह कानून इलाही है, अली उन वलीउल्लाह काफिरों की मौत है। क्योंकि कुरान ने कहा था कि आज के दिन मोमिन नहीं काफिर मायूस होंगे। अली उन वलीउल्लाह ईमान है, अली उन वलीउल्लाह जान है हमारी, अली उन वलीउल्लाह वो निजाम इलाही है कि अगर उम्मत इसको सजदा कर ले, कबूल कर ले, तो अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। आज तुम दर दर सजदे कर रहे हो क्योंकि विलायत अली को सजदा नहीं किया, अली की विलायत को कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे करना था? जैसा हक बनता है। जब अली को छोड़ा तो कभी मलूकियत को सजदा किया, कभी बादशाहत को सजदा किया, और फिर यह कहानी चलती हुई आ गई, आज तक है। विलायत को सजदा नहीं किया तो आओ, कभी डेमोक्रेसी को सजदा किया, कभी जमहूरियत को सजदा, कभी मामूरियत को सजदा, कभी आमरियत को सजदा, कभी कैपिटलिज्म को सजदा, कभी इंपेरियलिज्म को सजदा, कभी सहोनिज्म को सजदा, कभी ज़ियोनिज्म को सजदा। इतने सजदे इकबाल पाकिस्तान की निजात यही कह रहा था, तुम इतने सजदे यूरोप, अमेरिका और फ्रांस को कर रहे हो, एक सजदा रसूल और आले रसूल को करो, मुल्क भी बच जाएगा और तमाम दुनिया भी महफूज हो जाएगी।